गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। सो आज हम क्वेश्चन 7, 8 और 9 सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। सो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 7 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई बोथ 8 और 9। इसमें से आपको ये बताना है कौन से नंबर 8 और 9 से डिविजिबल है। आर दे डिविजिबल बाई 72 आल्सो, क्या वे नंबर 72 से भी डिविजिबल है। तो देखिए, जो नंबर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होता है, वो नंबर 72 से भी डिविजिबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम देखें ना, तो 72 का जो फैक्टर होता है 8 × 9 होता है, तो 72 का ये फैक्टर होता है। इसलिए जो नंबर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, वो नंबर 72 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 5, 4, 9, 6। तो 5, 4, 9, 6 हम चेक करते हैं कि ये क्या डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम डिविजिबलिटी बाई 8 से चेक करेंगे। तो यहाँ देखेंगे डिविजिबलिटी बाई 8 का रूल क्या होता है। जो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 के टेबल में आता है, 8 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी डिविजिबल होता है। तो हम लिखेंगे कि यह लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 496। यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट जो है हमारा क्या दिया है, 496 दिया है। लिखेंगे सिंस 496 इज डिविजिबल बाई 8। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 496 को हम 8 से डिवाइड करें, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस 496 इज डिविजिबल बाई 8, तो सो 5, 4, 9, 6 इज आल्सो डिविजिबल बाई 8। तो 8 से तो ये डिविजिबल है। अब 9 से हम चेक करते हैं। तो 9 से हम चेक करेंगे, तो लिखेंगे पहले 9 का डिविजिबलिटी रूल क्या होता है। सबसे पहले हम सम ऑफ ऑल डिजिट फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट 5 + 4 + 9 + 6। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 24। अब हम देखेंगे 24 जो है 9 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 9 के टेबल में 24 नहीं आएगा। तो लिखेंगे सिंस 24 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, तो लिखेंगे सो 5, 4, 9, 6 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। अगर ये 24 9 से नहीं डिविजिबल है, तो 5, 4, 9, 6 भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिंस 5, 4, 9, 6 इज डिविजिबल बाई 8 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। 5, 4, 9, 6 जो है 8 से तो हम देख रहे हैं डिविजिबल है, लेकिन 9 से क्या डिविजिबल है, नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस 5, 4, 9, 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 72। ये 72 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से आपको 7 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd आप खुद ऐसे ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, टेक 2 नंबर्स डिविजिबल बाई 15। आपको 2 नंबर ऐसे लेने हैं जो 15 से डिविजिबल हो। आर देयर सम एंड डिफरेंस आल्सो डिविजिबल बाई 15, क्या उसका जो सम है और डिफरेंस है वो भी 15 से डिविजिबल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 में हम देखेंगे कि लिखेंगे लेट 2 नंबर्स बी 60 और 90 विच इज डिविजिबल बाई 15। अगर हम मान लें कि माना 2 नंबर हमारा 60 और 90 है, तो 60 अगर हम देखेंगे 15 से डिविजिबल है और 90 भी 15 से डिविजिबल है। आपको ऐसा 2 नंबर लेना है जहाँ पे दोनों नंबर जो है 15 से दोनों नंबर डिविजिबल हो। तो हमने 60 और 90 लिया विच इज डिविजिबल बाई 15, दोनों क्या है, 15 से डिविजिबल है। अब लिखेंगे देयर सम, उनका सम भी फाइंड करना है। तो देयर सम अगर हम निकालेंगे तो 60 + 90 होगा। 60 और प्लस 90 अगर हम जोड़ेंगे तो 150 होगा। अब देखिए 150 जो है 15 से भी डिविजिबल है। तो पूछा है उसमें क्या उसका सम जो है 15 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम देयर सम निकालें, तो उसका अगर हम सम निकाल रहे हैं तो 150 हो रहा है, जो कि क्या है, 15 से डिविजिबल है। अब इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 90 - 60 = 30। तो जो क्या हो रहा है, तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, दे आर डिफरेंस इजकल टू, तो क्या होगा, 90 - 60। तो 90 में से अगर हम 60 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, 30 होगा। अब देखेंगे 30 जो है भी 30, इसका डिफरेंस भी जो निकालने पे आ रहा है 30 आ रहा है। 30 भी क्या है, 15 के टेबल में आ रहा है। तो लिखेंगे विच इज आल्सो डिविजिबल बाई 15। तो आपको यही बताना था, इसका 8 का सॉल्यूशन यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट सो द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 5335। इसमें तीनों क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला काफ़ी ईजी है, जो कि आप खुद कर लोगे। सेकेंड और थर्ड दोनों एक जैसा है, तो आप हम सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन इसका देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। सो आपको डिविजिबिलिटी रूल 11 का चेक करना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबसे पहले गिवन नंबर क्या हुआ है, 7016908 03। आपको डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो भी दिए है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप भी उस वीडियो को जरूर देखिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस, जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स होते हैं सबसे पहले उसको हम जोड़ते हैं। तो ऑड प्लेस पे कौन है, कैसे पता चलेगा कौन नंबर ऑड प्लेस पे है, तो ये देखिए पहला प्लेस जो है वो ऑड प्लेस होता है पहला, तीसरा जो प्लेस होगा थर्ड नंबर का जो प्लेस होगा वो क्या होगा, ऑड प्लेस होगा। फाइव नंबर का भी प्लेस होगा जो ऑड प्लेस होगा। सेवन नंबर का प्लेस होगा जो ऑड प्लेस होगा। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 नंबर पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 7 नंबर पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह आगे भी दिया होगा, तो 9 प्लेस पे ये सब क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। तो हम इन्हीं प्लेसेज को क्या कहते हैं, ऑड प्लेसेज। तो हम सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेज, जो ऑड प्लेसेज के डिजिट्स हैं पहले उनको सम करेंगे। तो उनका अगर हम सम करें तो क्या होता है, 7+1+9+0, 7190, और सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 17। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट एट इवेंट प्लेस, जो इवेंट प्लेस पे डिजिट्स हैं हम उनको सम करते हैं। तो 0 है और क्या है, 6 है, 8 है और 3 है, 0+6+8+3, अगर सबको सम करेंगे तो क्या होगा, 17 होगा। अब इसके बाद से दोनों को सम करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, यानी कि इसको और इसको हम किसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो हम डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 17 में से 17 घटाएंगे 0। अगर डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है या 11 के कोई नंबर के टेबल में आता है, तो ऐसा हम कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर 0 के केस में भी 11 से वो नंबर डिविजिबल होगा, या 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो इस तरह के अगर नंबर आते हैं तो वो 11 से डिविजिबल होते हैं। तो लिखेंगे, सो 7016908 03 इज डिविजिबल बाई 11। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। आप इस तरह से क्वेश्चन 9 आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें 9 ही क्वेश्चन आपके दिए हुए थे एक्सरसाइज 3.3 में। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.3 आपका फाइनल हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।